आम तौर पर लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई नहीं लौटता, तो फिर कैसे पता कि ऊपर स्वर्ग है या यमलोक? तो आज द कर्मा आपको बताएगा कि यमलोक कैसा होता है और वहाँ क्या क्या होता है। आपको तो लोगों ने यही बताया होगा कि यमराज बड़े खतरनाक देवता हैं। वो सिर्फ लोगों को मारते हैं और मरे हुए लोगों को यमलोक ले जाते हैं, जहाँ का माहौल बड़ा भयानक होता है। वहाँ यमदूत पापी आत्माओं को टॉर्चर करते हैं। वहाँ खून और हड्डियों से भरे तालाब हैं, जिनमें यमदूत पापियों को गिराकर उन्हें सजा देते हैं। यमदूत पापियों को आग में जलाते हैं और उन्हें गर्म कढ़ाई पर तलते हैं। तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि यमलोक सिर्फ मारपीट या रोने चिल्लाने की जगह नहीं है। यमलोक में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महाभारत में युधिष्ठिर नारद जी से सभी लोकों के बारे में पूछते हैं, तो नारद जी उन्हें यमलोक के बारे में भी बताते हुए कहते हैं। अर्क प्रकाशाभ्राजिष्णुः सर्वतः कामरूपिणी नातिशीता न चात्युष्णा मनसश्च प्रहर्षिणी न शोको न जरा तस्यां क्षुत्पिपासे न चाप्रियं न च दैन्यं क्लमोवापि प्रतिकूलं न चाप्युत। नारद जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, यमलोक का प्रकाश सूर्य के समान है। इस लोक में रहने वाले अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये लोक न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक सर्द है। यहाँ का माहौल एकदम आनंददायक है। यहाँ जाने पर न तो दुख और सुख का अनुभव होता है और न ही भूख प्यास ही सताती है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती जो किसी को पसंद ना हो और न ही किसी को थकावट या डिप्रेशन होता है। यानी अक्सर हम लोग यमलोक को ही नर्क लोक समझ लेते हैं, जबकि यमलोक और नर्क लोक अलग अलग जगह हैं। आपको बता दें कि यमराज के यमलोक की राजधानी का नाम संयमनपुरी है, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र के स्वर्ग लोक की राजधानी का नाम अमरावती और कुबेर की राजधानी का नाम अलकापुरी है। इसके आगे के श्लोकों में भी नारद जी कहते हैं, रसवंती चतोयानी शतान्युष्णानि चैव हि तस्याम राजर्षयः पुण्य तथा ब्रह्मर्षयो मला। यानी हे पांडुपुत्र, यमलोक में खाने के लिए हर प्रकार की स्वादिष्ट चीजें और पीने के लिए ठंडा और गर्म पानी दोनों मौजूद होते हैं। यमलोक में बहुत से पुण्यात्मा, राजर्षि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नता पूर्वक बैठकर ईश्वर की उपासना करते हैं। तो एक बार फिर से ये प्रूव होता है कि यमलोक कोई खतरनाक जगह नहीं है, बल्कि ये नर्क लोक से एकदम अलग ही लोक है। इसके बाद युधिष्ठिर यमलोक के बारे में नारद जी से पूछते हैं, आखिर यमलोक इतना सुंदर और रहने लायक अच्छा लोक है, तो वहाँ जाने का कौन सा उपाय है? तो नारद जी कहते हैं, ज्वलंती भासमाना च तेजसास्वेन भारत तामुग्र तपसो यान्ति सुब्रता सत्यवादिनः शांता सन्यासिनः शुद्धा पूता पुण्येन कर्मणा सर्वे भास्वर देहाश्च सर्वे च विरजोम्बरा। यानी यहाँ नारद जी बताते हैं कि यमलोक जाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारे व्रतों का पालन करना होता है। ऐसी तपस्या और व्रतों का पालन करने वाले सत्यवादी, शांत और पवित्र लोग ही इस लोक में जा सकते हैं। हो सकता है कि यमलोक की राजधानी का नाम भी संयमनपुरी शायद इसीलिए पड़ा हो, क्योंकि वहाँ वही लोग वास करते हैं जिन्होंने संयम के साथ तपस्या की हो और पवित्र आचरण किया हो। तो अब तक आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा कि यमलोक कोई भयानक लोक नहीं है, बल्कि ये स्वर्ग की तरह ही एक बेहतरीन, आरामदायक और शांत लोक है। हम आपको एक बात और बता दें कि यमराज को भी टीवी सीरियलों और बहुत सारे नाटकों में सिर्फ मरे हुए लोगों की आत्मा को ले जाने वाला दिखाया जाता रहा है। ये सच है कि यमराज के दूत मरे हुए लोगों की आत्माओं को यमलोक ले जाते हैं और वहीं फैसला होता है कि किसे स्वर्ग मिलेगा और किसे नर्क। लेकिन यमराज इंद्र, वरुण, कुबेर के बाद
चौथे लोकपाल हैं। वे महान ज्ञानी और वीर देवता हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के क्रोध की तुलना इंद्र और यम से की गई है। यमराज के दंड नामक अस्त्र से बड़ा राक्षस मर जाता है। यमराज इतने बड़े ज्ञानी हैं कि नचिकेता और सावित्री के साथ ज्ञान की बातें करते हुए सनातन धर्म के महान ग्रंथों में दिखाए गए हैं। महाभारत में विदुर यमराज के ही अवतार थे। यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है, क्योंकि वे धर्म के अनुसार ही लोगों के पाप और पुण्य का फैसला करते हैं। इसलिए टीवी सीरियलों में भैंसे पर बैठे जिन यमराज को देखकर आप हंस देते हैं, वो सनातन धर्म के विरोधियों की चाल है, जिससे हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है।